मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सागर कॉलेज तले आज मुझको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो गोटे नुआ चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हैला तले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन तुम जान कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हैला द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रे आमे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भितर विषय रे पढ़ा इट इज द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हला तले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन ता विषय रे जानिबा पूर्वर आमे आगे जानिबा सॉल्ट कहा को कहंती एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हला तले तमे 11 क्लास रे पढ़ी चो सॉल्ट कहा को कहंती सॉल्ट केमती फॉर्मेशन हुए ना इट इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटल एटम्स हला एसिड रो वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस है कि बाय मेटल एटम्स सॉल्ट फॉर्मेशन हुए हला ताले सॉल्ट रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट कौन तुम जानिछ सिंपल सॉल्ट्स लिखि दबा टाइप्स ऑफ सॉल्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स रे तमे जानिचो सिंपल सॉल्ट्स सिंपल सॉल्ट्स रे अच्छी कौन नॉर्मल सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट्स बेसिक सॉल्ट्स ताले नॉर्मल सॉल्ट कहा को कहिबा ना जेती की टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अच्छी गोटे एसिड रे से टोटल हाइड्रोजन एटम गुड़ाक जदि रिप्लेस होगा मेटल एटम्स द्वारा ताहले आमे कौन पाइबा गोटे नॉर्मल सॉल्ट हला नॉर्मल सॉल्ट केमती फॉर्मेशन हबो ना इट इज फॉर्मड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ All the replaceable hydrogen atoms of an acid by metal atoms. Hello, by metal atoms. ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स गुड़ाक जदि मेटल एटम द्वारा रिप्लेस हेले ताको आमे कौन कहिबा नॉर्मल सॉल्ट हैला जेमती देखो NaOH प्लस HCl हैला एडा हला एसिड हला किए HCl रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स किए केतेडा अछि गोटे तले गोटे जदि रिप्लेस हे गला मेटल एटम एठी किए सोडियम हैला हाइड्रोजन एटम एसिड रो एटा हला हाइड्रोजन एटम एंड एनएटा हला मेटल एटम ताले एच एटम इज रिप्लेस्ड बाय एनए एटम ताले तमरो सॉल्ट कौन फॉर्मेशन हला NaCl हला एटा हला कौन नॉर्मल सॉल्ट बा न्यूट्रल सॉल्ट हला सेमती तमरो H2SO4 प्लस NaOH हला ताले वर्तमान कौन हबो टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स केते अछि एसिड रे दीटा ताले दीटा हाइड्रोजन एटम जदि दीटा सोडियम एटम द्वारा रिप्लेस हे गला ताले सेटा को टोटली जदि दीटा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हे गला बाय मेटल एटम्स ताले आमे सेटा को कहिबा नॉर्मल सॉल्ट ताले वर्तमान H2 बदल रे एडी कोन हि जिवो Na2 दीटा हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 सोडियम एटम्स हला प्लस वाटर एडी मु बैलेंस करिनी तमे एडी बैलेंस कर दबो हला बुझी पार ताले टोटल दीटा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा बाय सोडियम एटम्स हला बुझी पार आउ तुमर की प्रकार सॉल्ट्स अच्छी कह एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट हना नहीं एसिडिक सॉल्ट क्या कहवा सब केमिकल इक्विलिब्रियम रे तुम पढ़ी थ 11 क्लास रे एसिडिक सॉल्ट क्या कहवा ना सॉल्ट फॉर्म सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस हला एसिडिक सॉल्ट क्या कहवा रे सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस
है बर्तमान देख एनएच फोर सी एल एटा है एसीड एक्सर कहीं एसीड पार्ट रहा एच सी एल स्ट्रंग एसीड बेसिक पार्ट रहा एनएच फोर ओ एच है बर्तमान आउरी एसिड सल्ट है कौन आउ जदि सल्ट्रे जी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स अच्छी सबू जदि रिप्लेस है नाही जमी देख तुम एस टू एसओ फोर एस टू एसओ फोर एन ए एच है ये दु प्रकार सल्ट फर्मेसन कै गोटे है नर्माल सल्ट बाय रिमूविंग ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आउ गोटे है एसिडिक सल्ट माने एसीड्रे जी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स अच्छी सबू रिप्लेस हो न आहुरी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स रही जाइथिबो सेई टाइप रो सॉल्ट को आमे कौन कहिबा एसिडिक सॉल्ट ताले एथि एसिडिक सॉल्ट कौन फॉर्मेशन हम हम खाली सॉल्ट पार्टटा देखौ छी NaHSO4 ताले Na2SO4 ता हला नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट NaHSO4 ता हला एसिडिक सॉल्ट हला सेमती तमरो बेसिक सॉल्ट अछि हला बेसिक सॉल्ट कौन सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड हला Na2CO3 स्ट्रांग बेस NaOH वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 Na2CO3 तापर आ गुडे हला CH3COONa हला स्ट्रांग बेस हला NaOH वीक एसिड हला एसिटिक एसिड CH3COOH एगुडा को सब हला बेसिक सॉल्ट्स हला तले सब जाउची तमर सिंपल सॉल्ट्स भितरे तापर आसीला कोनो एटा तुम एलिमेंटरी आइडिया गोटे सल्ट विषय जान लापर आसला कौन ना डबल सल्ट है गोटे कौन आसला डबल सल्ट है डबल मीन्स टू ताले डबल सल्ट केमती फॉर्मेशन हम बाय इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सल्ट्स मिक्स्ड इन इक्विमोलार प्रपोर्शंस दीटा सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलार प्रपोर्शन रे नेले आमे गोटे डबल सॉल्ट पाइबा हला ताले इट कॉन्स्टिट्यूट्स तुम एक्चुअली एग्जाम रे क्वेश्चन आसे काउंसिल रे भी क्वेश्चन आसी सारी डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है आम डबल सॉल्ट पढ़ा सिंपल सॉल्ट पढ़ले डबल सॉल्ट पढ़ा कोऑर्डिनेशन जीवा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू आम देखा है डबल सॉल्ट इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलार प्रपोर्शंस व्हिच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट but dissociates into its constituent ions in aqueous solution hala in aqueous solution ताले डबल सॉल्ट क्या कहवा ना से केमती फॉर्मेशन हुए दुईटा सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलार प्रपोर्शन रे नहीं कि एटा केमती एक्चुअली हुए ना एक्वस सॉल्यूशन वाटर रे इक्विमोलार प्रपोर्शन रे दुईटा सिंपल सॉल्ट तुम मिसेब तर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनइब तापर ताको फिल्टर करिव तापर ताको इवापोरेट कर दबो हला सेइठो तुम पाइब क्रिस्टल्स ऑफ डबल सॉल्ट बुझि पाल्लो ताहाले दुईटा सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलार प्रपोर्शन रे नहीं कि आमे डबल सॉल्ट बनइ परिबा आ डबल सॉल्ट रा प्रॉपर्टी कौन इट एक्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट तार आइडेंटिटीटा से सॉलिड स्टेट रिटेन करे किंतु एक्वस सॉल्यूशन रे डबल सॉल्टा डिसोसिएट करी जाए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स बुझि पारलो केमती देख मु तुमको कहूँ ताले इन एक्वस सॉल्यूशन गोटे एग्जांपल देखि तुमको बुझौछि एबे खाली देख ए डबल सॉल्ट shows the taste of all of its ions hala right?
तार जी डबल सल्ट आयन अच्छी एक्वस सल्यूशन से कम्प्लीटली डिसोसिएट कर तार आयन को तेणु सब आयरन टेस्ट सीए शो कर किए ना डबल सल्ट है डबल सल्टर गोटे एग्जांपल दबा एग्जांपल्स दबा देख एग्जांपल्स गोटे है मोर्स सल्ट है तार फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 सिक्स वाटर है वाटर क्रिस्टलाइजेशन ताले एटा को की सल्ट कहती मोर्स सल्ट है एटा है गोटे डबल सल्ट दीटा सिंपल सॉल्ट को इकुमलार ये सॉल्ट दीटा सिंपल सॉल्ट को हम इकुमलार प्रोपोर्शन रे नहीं कि बनेले मोर सॉल्ट दैट इज ए डबल सॉल्ट सेमती आ गोटे डबल सॉल्ट हैला KCl MgCl2 सिक्स वाटर हैला आकु कौन कहती कार्नालाइट हैला कार्नालाइट इट इज फॉर्मड बाय एयर मिक्सिंग टू सिंपल सॉल्ट्स इन इकुमलार प्रोपोर्शंस हैला आ गोटे हैला पोटास आलम के टू एसओ फोर पोटासियम सल्फेट एल टू एसओ फोर होल थ्री ट्वेंटी फोर वाटर हैला एटा को कौन कहती पोटास आलम एगुड़ाक सबू है ताले सिंपल सॉल्ट्स के रहा के टू एसओ फोर एल टू एसओ फोर होल थ्री ताले सबू दुईटा सिंपल सॉल्ट को इकुमलार प्रोपोर्शन रे नहीं कि आम डिफरेंट डबल सॉल्ट सबू बना जाऊँगी वर्तमान आम देखा आम जो पढ़ले डबल सॉल्टर प्रॉपर्टी कौन पढ़ले इट एक्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट बट यू लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन दैट मीन्स इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन ताहले वर्तमान देख आम जदि पोटास आलम को नबा के टू एसओ फोर एल टू एसओ फोर होल थ्री ट्वेंटी फोर वाटर एक्वस सॉल्यूशन रे कौन हबो ना ये इट विल कम्प्लीटली डिसोसिएट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सी आउ सॉलिड हो रहा ना वर्तमान कौन हबो तार कॉन्स्टिट्यूएंट आयन को सी डिसोसिएट कर के टू अच्छी के टू मान के के प्लस आयन टू के प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन रे तार आयन को सी डिसोसिएट करगला एसओ फोर एटी अच्छी गोटे एटी अच्छी केतटा तीन टा ताले फोर एसओ फोर टू माइनस है आ गोटे कौन अच्छी रे एल आलुमिनियम दुईटा अच्छी ताले टू ए एल थ्री प्लस वैलेंसी है प्लस ट्वेंटी फोर वाटर है ट्वेंटी फोर वाटर बुझिपाल ताले डबल सल्टा कौन कला इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिसोसिएट इन डिसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स ताले एक्वस सॉल्यूशन ले से पोटासियम रो सल्फेट रो एल्युमिनियम रो सबु आयन रो टेस्ट देखेबो हला ताले से सॉलिड फॉर्म रे एक्जिस्ट कला डबल सल्ट आकार रे किंतु सॉल्यूशन बेळकु से तारो आयोनिक फॉर्म सबु आयोनिक फॉर्म को डिसोसिएट करि गला हला सेटा हला डबल सल्ट बुझिपाल तापर आसला तापर आसला कौन ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा ताकु कौन कहती कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ताकु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहती और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैला और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बुझी पाल्ला हैला
ताले डबल सॉल्ट जो उपाय रे प्रिपेयर करा जाए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से गुड़ा को सही उपाय रे प्रिपेयर करा जाए सिंपल सॉल्ट्स को नहीं कि सेठी हला इक्यूमलार प्रोपोर्शन रे एडी मे और मे नॉट बी इक्यूमलार प्रोपोर्शन रे स्टोइकियोमेट्रिक डेफिनाइट स्क्वायर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो रे नहीं कि बोथ डबल सॉल्ट आउ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को प्रिपेयर करा जाए हला तापरे ताको फिल्टर करिवो इवापोरेट करिवो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रे तेनु डबल सॉल्ट आउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दीटा जको हला बोथ हला एडिशन कंपाउंड्स किंतु सेमानकर प्रॉपर्टी हला डिफरेंट डबल सॉल्ट कौन कला सॉलिड स्टेट रे एग्जिस्ट कला किंतु एक्वस सॉल्यूशन रे तार कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स को डिसोसिएट करी गला किंतु ए जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन हला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो तार से सॉलिड स्टेट रे भी तार आइडेंटिटी रिटेन करूची एज वेल एज इन द सॉल्यूशन सॉल्यूशन रे भी से तार आइडेंटिटी को रिटेन करूची अर्थात तार जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ता रहूची दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन हला ताहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रे कोण ना इट रिटेन्स its identity in solid state as well as in solution mujhe pal it retains its identity means it exists both in the solid state as well as in the solution hala in aqueous solution it does not show the taste of all the ions hala double salt re kon all the ions ra ku tame taste kari ki jani paribo the presence of the ions but in complex salt tar aqueous solution re tame sabu ion ra tame taste paibo nahi kahi ki na it does not dissociate into its constituent ions इन एक्वस सॉल्यूशन ताले डबल जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ता बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ता सॉलिड स्टेट रे भी तार आइडेंटिटी रिटेन करूची सॉल्यूशन रे भी तार आइडेंटिटी रिटेन करूची हला बुझी पाललो ताले एठु आसेला कांसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हला बुझी पाललो ताले एमाने कौन करंती एमानकर आइडेंटिटी दे आर फॉर्म्ड इन द सेम वे एज द डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड डबल सॉल्ट जो उपाय रे फॉर्म हुए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तमरो फास्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने कि तापरे ताकु फिल्टर करी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रे डबल सॉल्ट आ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोथ सेम वे रे प्रिपेयर हुए किंतु सेमानकर प्रॉपर्टीज गुड़ाक डिफरेंट हला डबल सॉल्ट तार सॉलिड स्टेट रे एग्जिस्ट करूची सॉल्यूशन रे तार आइडेंटिटी लूज करूची किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोथ सॉलिड स्टेट आउ सॉल्यूशन रे तार आइडेंटिटी रिटेन करूची हला ताले कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड कहा को कहिबा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एठु आसीला तमरो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हला कंटेन्स ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इट बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सेथिपाई एगुड़ा को कहा कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हला ताले लिंक टू इट बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट हला ताहले आमे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे कौन रहूची ना गोटे सेंट्रल एटम गोटे स्क्वायर ब्रैकेट भितर कौन रहिबो ना गोटे सेंट्रल मेटल एटम और आयन रहिबो जिए कि सराउंड हेथिबो
ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स द्वारा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड ताले से मेटल एटम को जो आयन्स बा मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली लिंक हेइथिबे से माने केमिति लिंक हेइथिबे ना बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आ से कॉम्प्लेक्स पार्ट टा को आमे रिप्रेजेंट करथिबा गोटे स्क्वायर ब्रैकेट भितरे हैला ताले मु एग्जांपल देकी तुमको बुझौछि देखो फॉर एग्जांपल गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सी यू एन एस थ्री फोर एसओ फोर है कौन ना टेट्रा टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर है टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर बुझिपारल है ताले एटा को कहते टेट्रामीन चार्टा अच्छे ना मन परे परे मुझे कहबी केमती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सब नेमिंग होटा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बुझिपारल है देख आम एटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन ताले एटी सेंट्रल मेटल एटम बा आयन किए कॉपर व्हिच इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स व्हिच आर डायरेक्टली लिंक टू इट बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विदिन ए स्क्वायर ब्रैकेट ताले स्क्वायर ब्रैकेट भितरे सेंट्रल मेटल एटम बा आयन को जेतिकि नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स लागी थाए हैला ताले सेंट्रल मेटल एटम बा आयन सराउंड हे थाए कहा द्वारा ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स बाय को बॉन्ड द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आउ ताकु रिप्रेजेंट कराई थाए विदिन ए स्क्वायर ब्रैकेट बुझिपारल आउ एटा को कह जाए काउंटर आयन या विषय मुझे नेक्स्ट तुमको कहबी ताले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स रो रिप्रेजेंटेशन हैला ए भलिया सेंट्रल मेटल एटम बा आयन आउ ताकु डायरेक्टली जेतिकी मॉलिक्यूल्स बा आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा लिंक हेइचंती सेमानकु आमे रिप्रेजेंट करिबा गोटे स्क्वायर ब्रैकेट भितरे हैला एई जो पार्टटा एटा बिहेव्स एज ए सिंगल एंटिटी ये डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन्स इन एक्वस सल्यूशन यार किसी डिसोसिएशन हेनी ये सिंगल एंटिटी भाव में बिहेव कै बुझिपारल है वर्तमान देख भल से बुझु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्सटा यहाँ टे बुझा जिनस वर्तमान मु कौन कहली केमती देख द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स एटी केते अच्छी नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एटी केतटा अच्छे एटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोटा आयन कोटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से गुडा को एगुडा को लिगांड कहंती एगुडा एटा हला सेंट्रल मेटल एटम एटा हला लिगांड्स एगुडा को सब कोन मु धीरे 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 टर्म्स गुडा तुमको पढ़ेबी बर्तमान तुम्हें खाली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स रो रिप्रेजेंटेशन टा देख ताले सेंट्रल मेटल एटम हला सीयू केतटा अमोनिया लागिछि चारिटा थ्रो की बॉन्ड लागिछि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हला कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हें जाच जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ीच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सटा गोटे सिंगल एटम द्वारा डोनेट होटा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड गोटे सिंगल स्पेसीज डोनेट करुथिबे एटी है एनएच थ्री है एनएच थ्री एटी है एनएच थ्री एटी है एन एच थ्री बुझिपारल एटा केमती रिप्रेजेंट कले स्क्वायर ब्रैकेट भितर बाहर किए रहा एसओ फोर ताले द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स व्हिच आर लिंक्ड टू इट डायरेक्टली लिंक्ड टू इट थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैला कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा लिंक हेले बुझिपारल ताले आउ एसओ फोर टा रहिला बाहर ताले द कॉम्प्लेक्स आयन एटा को कहते कॉम्प्लेक्स आयन हैला कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैला द कॉम्प्लेक्स पार्ट बा कॉम्प्लेक्स आयन किए रे एटा ए पर्सनटा हैला द कॉम्प्लेक्स पार्ट बिहेव्स एटा ऊपर लिखि दउची पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन बिहेव्स एज ए सिंगल एंटिटी हैला बिहेव्स एज ए सिंगल एंटिटी एंड does not dissociate into ions
इन एक्वस सॉल्यूशन हला ताले ये गोटे सिंगल एंटिटी कॉम्प्लेक्स पार्टा गोटे सिंगल एंटिटी रूप रे बिहेव करे ये आउ आरो कोरेस्पोंडिंग आयन्स को डिसोसिएट करे नाही हला ताले वर्तमान आमे कोन लिखि परिबा एटा को देखो एठी ए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड गुडा को होउनी ए गुडा को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दउछि केमिति दउछि कोन सेटा आमे परे पढिबा तमे खाली वर्तमान रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जानी था हला ताले वर्तमान देखो आमर कोन थिला सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंडटा CU NH3 4 SO4 हला SO4 वर्तमान एक्वस सॉल्यूशन रे ये केमिति कोन हबो ना एटा सिंगल एंटिटी के रहइबो आरो किछि डिसोसिएशन हबोनी CU NH3 4 दिस इज 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस हला बुझि पाला ताले ए जो 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी सब ग्रेजुअली मु तुमको 1 बाय 1 स्टेप स्टेप बाय स्टेप कहिबी तमे खाली वर्तमान जानिलो ताले एटा केमती डिसोसिएट हला CU NH3 4 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस बुझि पाला ताले एई दीटा हला बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट आउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सी तार आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन रे लूज कला किंतु ये तार आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन रे लूज कला नहीं एटा को की आयन कहंती एटा को कहंती कॉम्प्लेक्स आयन हला बुझि पाल्लो ताले दे जा द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन व्हिच ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स व्हिच आर लिंक्ड टू इट डायरेक्टली लिंक्ड टू इट थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट इज व्हाई द नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हला से माने हले एडिशन कंपाउंड्स आउ से माने दे आर फॉर्मड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हला बुझलो ताले वर्तमान आमे लिखिबा डिफरेंस बिटवीन तुम काउंसिल रे दुई थर आगर क्वेश्चन पढ़ी सारी जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट हला ताले डबल सॉल्ट आउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भितरे कौन डिफरेंस तुमको मुझे बोथ आर एडिशन कंपाउंड्स मीन्स फॉर्म फ्रॉम टू स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है डबल सॉल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंको भितरे बेसिक डिफरेंस आम लिखा ताले फास्ट है कौन ना आम तुमको कही डबल सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट्स टेकन इन इक्वमोलर प्रोपोर्शंस इक्वमोलर प्रोपोर्शन ले नहीं कि आम एक्वस सॉल्यूशन रे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनैबा तापर फिल्टर करी ड्राई करी आम क्रिस्टल पाइबा डबल सॉल्ट क्रिस्टल पाइबा सेम वे आम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी बनैबा हला एठी किंतु सिंपल सॉल्ट गुडा को इक्वमोलर प्रोपोर्शन रे रहिबे एठी इक्वमोलर माने बुझुछ तो आकु गोटे सिंपल सॉल्ट को 1 मोल नेला माने आ गोटे सिंपल सॉल्ट को भी 1 मोल नेबो आकु 2 मोल नेला माने गोटे सिंपल सॉल्ट को आ गोटे सिंपल सॉल्ट को भी 2 मोल नबो सेटा को कहंती इक्विमोलर प्रोपोर्शन हला एठी हला इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे हेई पारे बा इक्विमोलर प्रोपोर्शन तमे न नेबी पारो बट डेफिनेट रेशियो रखिबो हला ताले इट इज फॉर्म फ्रॉम 2 सिंपल सॉल्ट मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस है इक्विमोलर प्रोपोर्शंस इक्वल मोल नब दीटा सिंपल सॉल्ट एटा जेतिकी मोल नब एटा सेतिकी मोल एटा हला द सिंपल सॉल्ट्स में or may not be in equimolar proportions hala equimolar proportion re thai pare no thai bi pare mujhe palo hala eta hala first difference second difference kon
इट एक्जिस्ट डबल सल्टा तुमको कही इट एक्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स इन एक्वस सल्यूशन है एक्वस सल्यूशन डिसोसिएट कर जाए किंतु एठी कौन इट एक्जिस्ट बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन हला आर कॉम्प्लेक्स पार्ट टा डिसोसिएट करे नाही सिंगल एंटिटी भाबरे बिहेव करे सॉल्यूशन बुझी पालो तापरे एठी डबल सॉल्ट रे देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयोनिक स्पेसीज तेणु एठी किछि देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किंतु ए केस रे कौन सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हला इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू अदर स्पेसीज इज लिंक्ड टू अदर स्पेसीज बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एटी एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है फोर है इट एक्जिबिट्स और शोज इट्स नॉर्मल वैलेंस तार नॉर्मल वैलेंसी को सी शो करे फोर पॉइंट ऊपर लिखी दूची ये तले जगह नहीं ऊपर लिखी दूची इट इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स विथ मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंस मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंस हला नॉर्मल वैलेंसी बुझिपाल ताले ये कौन कला तार नॉर्मल वैलेंसी एक्जिबिट कला ये कौन कला तार कॉम्प्लेक्स पार्ट रे सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स विथ मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी केमती देखिल जो कही तुमको सी यू एन एच थ्री फोर एसओ फोर हला एडी एन एच थ्री कपर वैलेंसी केते कहल वन बाय टू है किंतु केतेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अच्छी चारिटा ताले मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी रु नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जोटा एक्जि रोचे आ सांगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि दैट इज मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी गोटे कि दुटा रही कथा बर्तमान कौन है चारिटा बुझिपाल ताले डबल सॉल्ट आउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गुड़ाक भितर यही है डिफरेन्स ये चारिटा गोटे है समान वे प्रिपेयर हिंटी इक्विमोलर प्रोपोर्शन डबल सॉल्ट ये मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट ना से कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट ये सॉलिड स्टेट रे एक्जिस्ट करुच सॉल्यूशन ले डिसोसिएट कर आयन को ये बोथ इन सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन रे तार आइडेंटिटी को रिटेन करुची है बुझिपाल ये नॉर्मल वैलेंसी एक्जिबिट करुची सी तार सराउंड हो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जोटा कि मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी है बुझिपाल ताहले वर्तमान देख आउ किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स
तुमको लिखिली के फोर एफ एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। के फोर एफ सी एन सिक्स है बुझी पारल ताले वर्तमान देख के फोर एफ सी एन सिक्स तले कॉम्प्लेक्स पार्टा कॉम्प्लेक्स आयन टा कोउ भितरे रहिबो तमरो स्क्वायर ब्रैकेट भितरे रहिबो तले मेटल आयन बा एटम के रहिला आयरन हैला तापर सराउंड होची का दरे छोटा CN- आयन द्वारा हैला बुझी पाललो ताले द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स बाय कोऑर्डिनेट केमती को बॉन्ड द्वारा माने आकु कोऑर्डिनेट हेबे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स द्वारा हैला ताले कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रे लिंक हेले मेटल एटम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स बुझ पारलो हैला चले वर्तमान एमती तमे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सब रिप्रेजेंट करिवो तार कॉम्प्लेक्स पार्ट को तमे रिप्रेजेंट करिवो स्क्वायर ब्रैकेट भितरे मेटल आयन सराउंड हेथिबो ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स द्वारा भाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैला ताले कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भितर विषय रे गोटे बेसिक आइडिया पाइल सेटा हला गोटे एडिशन कंपाउंड फॉर्म होची फ्रॉम सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स रु ताकु आमे कौन करूचे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रे पाउचे आउ सी तार आइडेंटिटी को सॉलिस्टेड आउ सॉल्यूशन रे रिटेन करूचे आउ तार वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैला एई भलिया बुझ पाललो हैला एटा कोन दे काउंटर आयन तार कॉम्प्लेक्स आयन हैला एटा जोथरे की मेटल एटम सराउंड हेथिबो ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स बुझ पारल है आज ये थाउ नेक्स्ट क्लास रे आम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन यूज इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये सब विषय पढ़ा है आज ये थाउ थैंक यू ऑल।